हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करूंगी यूनिक मज़ेदार रेसिपी। घर में रखे हुए सामान से आज पिज़्ज़ा चाट बनाएंगे। रात में बची हुई रोटी से इस रेसिपी को बनाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से रात में बची हुई रोटी रहती ना फ्रेंड्स, या मॉर्निंग भी बच जाती ना, उस रोटी को ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से रोटी ले लेंगे फ्रेंड्स। उसे एक रोटी ले लेके फोक या नाइफ की मदद से इस तरह से रोटी पे होल्स कर लेंगे। इसे आप फ्राई कर लिए तो फ्रेंड्स अच्छे से फूलती नहीं, इस तरीके से फ्राई होल्स करने से। इस तरह से चारों साइड रोटी को होल्स कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से नाइफ से भी कर ले सकते हैं आप, फोक नहीं है तो इस तरीके से अच्छे से होल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। इस रोटी को फ्राई कर लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रख लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल को डालेंगे फ्रेंड्स। तेल अच्छे से गर्म होने पर इस रोटी को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पापड़ी जैसा अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से गोल्डन फ्राई होना चाहिए रोटी को। इस तरह से अच्छे से गोल्डन फ्राई होना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से फ्राई होने बस एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसे पापड़ी जैसे होना चाहिए इस तरीके से। इस पापड़ी पे अप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स टमाटो केचप। आप पिज़्ज़ा सॉस भी अप्लाई कर सकते। इस तरह से चारों साइड अच्छे से अप्लाई कर लेंगे टमाटो केचप। इसके ऊपर रख लेंगे फ्रेंड्स वेजिटेबल। आपके पास जो भी है वो वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं इस पर। टमाटो, आनियन, शिमला मिर्ची, इसके ऊपर चारों साइड अच्छे से रख लेंगे। इसे पिज़्ज़ा चाट या पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं आप इसे। इस तरह से अच्छे से रख लेंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून चिल्ली पैक को ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से चीज़ क्यूब ले लेंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से ग्रेट करके डाल लेंगे इसके ऊपर। चारों साइड अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे चीज़ को। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही तो फ्रेंड्स लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से अच्छे से ग्रेट कर लेके पिज़्ज़ा चाट को एक प्लेट में रख लेंगे फ्रेंड्स। इस पिज़्ज़ा चाट को बेक कर लेंगे फ्रेंड्स तवे पे रख के। गैस ऑन करके तवा रख लेंगे फ्रेंड्स। नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वही तवा फ्रेंड्स इस पर बेक करेंगे। इस तरह से पिज़्ज़े को इसके ऊपर रख लेंगे फ्रेंड्स। इसके ऊपर लेट पे कवर कर लेंगे इस तरह से। इसको 20 मिनट कुक होने देंगे फ्रेंड्स गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के। आप इवनिंग टाइम इस तरह से बच्चों को स्नैक की तरह अभी बना के दे सकते हैं। इस तरह से अच्छे से कुक होने में फ्रेंड्स इस तरह से चीज़ अच्छे से मेल्ट होती, एकदम पिज़्ज़ा चट अच्छे से बनकर तैयार है। इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इजीली इस तरह से कट कर सकते हैं अब हाथ से ही। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक करके।